हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, फाइनली यूपीएससी ने सीडीएस 1 2018 के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी वेबसाइट पे जाके। काफ़ी सारे वेबसाइट जो हैं आते हैं जब आप यूपीएससी सीडीएस के एडमिट कार्ड डालोगे उसके लिए, ठीक है। लेकिन उनमें क्या होता है, अंदर जाना पड़ेगा आपको, बहुत सारा नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा उनका, जो जो उन्होंने लिखा हुआ है, उसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ एक लिंक, वहाँ से आप डायरेक्ट यूपीएससी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी सीडीएस 1 2018 का लिंक, ठीक है। आपको सीधा गूगल में अपना यूपीएससी लिखना है सिर्फ, ठीक है। यूपीएससी यहाँ पे तो upsc.gov.in हो गया, लेकिन मैं आपको यूपीएससी लिख के दिखाता हूँ, यूपीएससी, ठीक है। अब देखिए, जब आप यूपीएससी लिखेंगे तो सबसे पहले आपका जो लिंक खुलेगा ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in, ठीक है। इस पर आपको जाना है यहाँ पर, और आपके साइड में व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 1 2018 ये वाला लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप इस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, आपका ये इशू डेट जो है एडमिट कार्ड की वो 10/1/2017 है, यहाँ पे 18 आना चाहिए था, 17 इन्होंने गलत लिख दिया, पता नहीं गलती कैसे कर दी इन्होंने, ठीक है। और जो एंड डेट है वो 4 तारीख तक आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को, ठीक है। एडमिट कार्ड करने को डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शन आएंगी, ये पूछेंगे आपसे प्रिंट करना है नहीं करना है, तो आप नो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यस कर दीजिए यहाँ पे, तो डायरेक्ट यस, ये पूछते हैं कि आपने इन सबको पढ़ाया है नहीं है, ठीक है। इन दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन आईडी और बाय रोल नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स ये मांगेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगेंगे, और ये आपको यहाँ पे ये वाला कोड जो है इसमें डालना है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी अपनी भूल गए हो, अगर आपके पास ईमेल वो नहीं है या डिलीट हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, योर फादर नेम लिखना है, मदर नेम, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये सिस्टम से मैच करके देखेगा कि आपने फॉर्म भरा भी था या नहीं भरा था, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपके ओरिजिनल जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर आपने जो दिया था उस पर आपका पहुँच जाएगा आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। मतलब उसका लिंक पहुँच जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, हो सकता है काफ़ी लोगों ने कर भी लिया हो, नहीं किया है तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, अपनी तैयारी अच्छी रखिए दोस्तों। 4 फरवरी 2018 को आपका पेपर होने वाला है, और हम जल्दी इसके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नोट्स जो हैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।